हाय एवरीवन, मैं हूँ नेमत और आप देख रहे हैं नेमत खाना। आज मैं बना रही हूँ पानी पूरी, तो बने रहे मेरे साथ पानी पूरी के इस आसान से तरीके को नोट करने। और जिस दिन आपके यहाँ चना, मटर, छोले या हरी चना बने, उस दिन आप इस पानी पूरी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायबिटीज़ के पेशेंट को ध्यान में रखकर पानी पूरी बनाई है, इसलिए आलू नहीं यूज़ किया है। अगर इसे आपके बच्चे खाने वाले हैं तो बेलाग आप इसमें आलू इस्तेमाल करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने छीमी वाली इमली, जो कि सब्ज़ी मार्केट में मिल जाती है, उसे इस्तेमाल किया है। इसका पानी बहुत ही मज़ेदार बनता है। इमली पल्प से इतना अच्छा टेस्टी पानी नहीं बनता है। इसे नीम गर्म पानी में फूलने के लिए रख दें। अब मैंने इसे सूजी से तैयार किया है। यहाँ पर गर्म पानी डालकर सूजी को 10 मिनट तक गूथ कर रख दें। यहाँ पर कोई नमक नहीं डालना है, कोई सोडा वोडा नहीं डालना है, ना ही अंदर तेल डालना है। बस इसे 10 मिनट तक ढककर रख दें। अब इसका एक टाइट सा डो तैयार हो जाएगा। अब आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे खूब सॉफ्ट बना लें और जो इमली हमने फूलने के लिए डाली थी उसे भी मसल मसल कर खूब अच्छे से इसका पल्प निकाल लें और हाथों की सफाई का खूब ध्यान रखें, वरना ग्लव्स इस्तेमाल कर लें। इस पानी को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए हमने इसमें कुछ मसाला इस्तेमाल किया है। इसे छान लेने से ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और जो कुछ भी है वो छलनी में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसे टेस्टी बनाने के लिए अब कुछ मसाले इसमें हमें डालना है। तो सबसे पहले मैंने इसे डाइल्यूट करने के लिए लगभग 200 ml पानी डाला है, या अगर ग्लास से नापे तो एक मीडियम साइज ग्लास का पानी हमने इसमें डाला है। यहाँ पर हमने भुना और कुटा हुआ घर का जीरा पाउडर डाला है, एक चौथाई टीस्पून, और चौथाई टीस्पून ही हमने चाट मसाला डाला है। ये भी हमने अपने घर में इस्तेमाल किया है। आई बटन में मैं लिंक दे रही हूँ, चाट मसाले की रेसिपी ज़रूर देख लेना। यहाँ पर चिल्ली फ्लेक्स है, अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिल्ली है तो आप घर में ये चिल्ली फ्लेक्स बना सकते हैं। आप इसे मशीन मिक्सी में डालकर रुक रुक कर 2-3 बार चला लें, चिल्ली फ्लेक्स तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने पुदीना पाउडर डाला है, जो कि मेरे घर का बना हुआ है, और मैंने पुदीना के पत्तियों को माइक्रोवेव में सुखा कर इसे क्रश कर लिया है। इसमें डालें हींग पाउडर। हींग डाइजेशन को बढ़ाता है और टेस्ट को इन्हांस करता है। साथ में डालें ग्रीन पुदीना की पत्तियाँ, ये भी टेस्टी भी लगेंगे और आपको देखने में भी ये ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगेगा। अब इस पानी को बनाकर एक तरफ रख दें। यहाँ पर मैंने काली चना इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर हरी मटर, हरी चना या छोले चना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्ज़ी मैंने वो इस्तेमाल की है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को सूट करे। तो यहाँ पर मैंने खीरा, प्याज, हरी मिर्च, अदरक वगैरह डाला है, और यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ती भी ढेर सारी डाली है और बूंदी डाला है। वो बूंदी जो हम रायता में डालते हैं, बूंदी रायता में, वही बूंदी हमने डाली है। अब इतना करते हुए 10-15 मिनट का टाइम गुजर चुका है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सूजी थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, लेकिन अभी इसे खूब मुक्की मारकर और हल्का पानी डालकर सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। गूंथते गूंथते ये सफ़ेद भी हो जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है, आप भी रुक रुक कर पानी डालें और देख लें कि ये कितना सॉफ्ट करने के बाद अच्छे से पूरियां इसका बेला जा सकता है। वर्क सरफेस पर ही मैंने इसे पीट पीट कर कुचल कुचल कर सॉफ्ट कर लिया है और इसकी बिल्कुल छोटी छोटी सी गोलियां बना ली हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप अब इसे बेल लेना है, और अगर आपको बेलने में इसकी किनारियां फटती हैं तो आप कुकी कटर से इसे गोल गोल काट कर भी बना सकते हैं। एक तरफ मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ध्यान रहे कि इसे काफ़ी गर्म तेल में ही तलना है और लाल होने तक इसे तलते रहें। इस तरह से लाली आ जाने पर निकालेंगे तो इसकी सतह जो है जल्दी सॉफ्ट नहीं होगी और कड़क बना रहेगा।
अब जो हमने इसके अंदर डालने के लिए मसाले तैयार किए थे उनको अच्छी तरह से मिला लें। यहाँ पर आप अपनी पसंद की कुछ सब्ज़ी डाल सकते हैं, बॉयल्ड आलू के टुकड़े भी डाल सकते हैं अगर आपको बच्चों को खिलाना है। कभी भी उल्टी साइड पूरियों का ना फोड़े, ये सौगी होता है। अब आप सीधी तरफ इसे फोड़कर रख लें और इसमें बनाया हुआ मिक्सचर भर लें। यहाँ पर मैंने पानी भी रेडी कर लिया है, ये पानी आपको ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखिए मैंने इसे फोड़ लिया है, अब इसमें भर कर घुघनी वाला मिक्सचर डाल दें। बहुत ही टेस्टी लगता है, अपने घर का बना हुआ है, हेल्थ और हाइजीन को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठेले वाले जो हम लोग फुचका खाते हैं या जिसे आप पानी पूरी कहते हैं, हमारे बचपन में इसे फुचका ही कहते थे, तो ठेले वाली पानी पूरी से ये कहीं ज़्यादा टेस्टी है और अपने हाथ से बनाया हुआ साफ़ सुथरा भी है। इसमें पानी भर लें और उठाकर मुंह में रख लें। देख सकते हैं मैंने ढेर सारी पूरियों को बनाकर इकट्ठा कर लिया है और उसे पानियों से भर लेना है। बस अब आवाज़ दें, बच्चों की टीम यहाँ पर आ जाए तो इसे चट कर जाए। आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है, खासकर आप इसे उस दिन बनाएं जिस दिन आपने घर में घुघनी बनाई है। तो उम्मीद है आज की इस रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा। घर में बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, ये टेस्टी है, हेल्दी है और साथ ही बहुत ही आसानी से बन जाने वाली है। तो इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, आपने अपना बहुत सारा वक्त दिया। थैंक यू।